नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा अर्जेंट था, तो अर्जेंट में उसको देख भी लीजिएगा पूरा, और नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया है BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चों के सवाल भी आ रहे थे और मुझे भी संभावनाएं लग रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई थी। मैंने भी मेल कर रखा था, कॉल भी किया हुआ था कि BHU का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है वेबसाइट पर, क्योंकि 19 मार्च को होने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे फ़ोन कर करके कर दिया था पगलेट। एक तो मेरे स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा हार्डवेयर बिगड़ चुका था, और ऊपर से आ रहे आप लोगों के मैसेज और खासकर फ़ोन कॉल से बहुत परेशान था। ऑफिशियली लगभग 5 बजे के आसपास, जी हाँ, 16 मार्च 5 बजे के आसपास आ चुका है ऑफिशियली नोटिफिकेशन। आप भी जाके BHU की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और मैं भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। क्या है नोटिफिकेशन उसको समझ लीजिए। BHU का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला था रेट वाला, वह हो चुका है कैंसिल। रेट वाला कैंसिल हुआ है, लेकिन जिन जो एग्जामिनेटेड थे वे कैंसिल नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी जानकारियां क्या क्या हैं और किस किस डिग्री वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कैंडिडेट्स हुआ है, उसकी भी करेंगे बातचीत। सबसे पहली चीज़, RET रेट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिस किसी ने भी अप्लाई किया था 20 और 21 के सेशन के लिए BHU में, वह सभी हो चुके हैं रद्द 19 तारीख को जो होना था। अगली डेट क्या है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जिन्होंने इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई किया था, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम यानी कि MPhil एंड PhD जो पाठ्यक्रम था उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था, उन बच्चों का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है। दूसरी चीज़, इसके अलावा जिन बच्चों ने MPhil के लिए अप्लाई किया था, याद रखिएगा PhD अलग कोर्स है, PhD MPhil एक दूसरा कोर्स है, और MPhil ओनली MPhil एक तीसरा कोर्स है। तो जिन्होंने MPhil के लिए अप्लाई किया था उनका भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है। वे सभी बच्चे याद रखें, ध्यान दें, जिन्होंने सितंबर 2020 में अप्लाई किया था और जिन्होंने मार्च 2021 में अप्लाई किया था। फिर से मैं कह देता हूँ, जिन्होंने सितंबर 2020 और मार्च 2021 में अप्लाई किया था BHU में PhD के लिए, हुए सभी एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं आज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग PhD प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021, सेकेंड सेमेस्टर जनवरी 2021, यह भी कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट था, इंस्टीट्यूट था, उसका भी जो सितंबर में एग्ज़ाम, जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले थे सेकेंड सेम के, वह भी रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और नया क्या है नोटिफिकेशन में, वह भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होना है अब, जो कि 19 मार्च को नहीं होगा, अब उसकी जो संभावित नई डेट दी है उसको नोट कर लीजिए आप, और इस डेट से 7 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, यह वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। नई डेट दी है 2 अप्रैल 2021, नई डेट 2 अप्रैल 2021, यानी कि 25 मार्च या उसके बाद वेबसाइट पर चेक करिए कि एडमिट कार्ड आया है या नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ सुन लीजिए कि 19 मार्च 2021 को जो कि 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला था, अब जो कि 2 अप्रैल को होगा ऐसा डेट है, वह एग्ज़ाम आपका होगा कंप्यूटर पर, ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा, CBT मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो BHU के वे सभी बच्चे ध्यान दें जिन्होंने MPhil के लिए अप्लाई किया है, PhD के लिए या MPhil PhD इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के लिए, एग्रीकल्चर वाले और मैनेजमेंट वाले भी, सभी के रेट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। लेकिन 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 जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं उनका इंटरव्यू जिस तारीख पर होना है वह तारीख वही है या नहीं, या इंटरव्यू की डेट में कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर कोई नई नोटिफिकेशन गाइडलाइंस नहीं आई है। और फिर मैं एक बात कह दूँ, मेरे अलावा या किसी और भी यूट्यूबर को आप जब सुनते ही पाते हैं ना कि एग्ज़ाम की डेट कैंसिल हो गई है या आगे बढ़ गई है, पोस्टपोन हो गई है, तब आप उस प्रत्येक यूट्यूबर से इस चीज़ का प्रूफ मांगा कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपने वीडियो देखा, आप किसी के निजी ज्ञान के आधार पर आप फैसला मत लीजिए। अगर मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम
पोस्ट बॉर्न हो गया है, तो मेरे ज्ञान के आधार पर विश्वास मत कीजिए। यदि मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रूफ आपको दे रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा हूँ, तभी आप मेरी बात पर बिलीव कीजिए, नहीं तो आप बिलीव मत कीजिए। जाइए सीधा वेबसाइट पर, देखिए कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन है या नहीं। अगर मैं कोई बात को गलत कहता बताता हुआ पाया जाता हूँ, तो साइबर एक्ट के तहत मेरे खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, आपका रिलेटिव हो, यदि गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वह अपराधी है, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाइए। यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो BHU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, इसीलिए मैं इस इंफॉर्मेशन वाले वीडियो को दोपहर 3 बजे भी दे सकता था, लेकिन ईमेल का जवाब नहीं आया था मेरे पास भी। फ़ोन से मैंने भी 3 या 5 बार फ़ोन कॉल किया, मुझे यही बोला गया एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन ऑफिशियली लेटर नहीं था मेरे पास, ना ही वो मुझे दे रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने का फ़ायदा हुआ कि नोटिस आ गया मेरे पास भी और वेबसाइट पर भी कि एग्ज़ाम हो गया है कैंसिल। तो आप लोगों को तैयारी करने का थोड़ा और कहे जैसे जैसे 10 दिन का और समय मिल गया है, अपना तैयारी कीजिए और एंट्रेंस की, और किसी फेक इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले प्रूफ मांगना सीखिए। सवाल करेंगे तो घटनाओं से बच जाएंगे, और घटनाओं से बच जाएंगे तो दुर्घटनाओं से औरों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का बड़ा वीडियो होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, जो नए शिक्षा नीति का ही एक मेजर पार्ट है, जिसको लेकर मैं डिटेल में एक आधे घंटे का वीडियो आपको दूंगा। आज की ही डेट में उसको ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से 54 विश्वविद्यालय हैं भारत के, केंद्रीय 54 विश्वविद्यालय जो उसके दायरे में आएंगे, और नए सेशन यानी कि 2021-22 में जो भी PhD के फॉर्म निकलेंगे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, जामिया हो, BHU हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी उसमें आ रही हैं, उन सभी की बातचीत करेंगे, उसके पाठ्यक्रम की, डेट की, कब फॉर्म आएगा, कैसा एंट्रेंस होगा, सभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं समय देने के लिए 7 से 8 मिनट का। धन्यवाद।